ऑलमोस्ट जो समय हो रहा है वो 4 बज रहा है, तो अभी हम लोग काठमांडू के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट से। तो हम लोग डिस्टेंस कवर करना है 142 किलोमीटर कवर करना है। जो हम लोग रूट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुलकेनी, सिसनेरी और फाफिन रोड होते हुए ले रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम लोग कैसे हो? आई होप तुम लोग सब ठीक होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई होप नेपाल सीरीज तुम लोग एंजॉय किए होगे। तो तुम लोग का कोई ऐसा कुछ सवाल हो नेपाल सीरीज के मामले में तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। जो भी सवाल आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पर शो का इंस्टाग्राम आईडी। तो गाइस हम लोग काठमांडू से निकल चुके हैं रक्सौल के लिए। मैं आपसे घर जा रहा हूँ और सौ भी घर जा चुके घर वो निकल गया दार्जिलिंग के लिए सिक्किम करने के लिए। हम लोग का कुछ प्रॉब्लम था तो हम लोग घर निकल चुके हैं। तो खासकर अभी ये व्यूज़ देखिए, अभी भी नेपाल में हूँ, काठमांडू से बाहर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर बाहर हो चुका हूँ। गूगल माता ऑफ रोडिंग लेके जा रही है, देख सकते हैं इस नज़ारे के साथ। हम लोग रात होगा तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि घाटी में हम लोग यहाँ से इतना जल्दी ऐसे है उसे निकल जाना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये रोड। कवर किए हैं डिस्टेंस वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कवर किए हैं तो उसमें समय हम लोग का लग गया ऑलमोस्ट 2 घंटा के आसपास। 7 बजने वाला है, 2 घंटा आसपास लगा, 10 खाली 100 किलोमीटर बचा हुआ है। घाटी देख सकते हैं पूरा, तो ऑलमोस्ट लोगों को घाटी पार करने में लग गया 2.5 घंटा। हम लोग बीरगंज डिस्टेंशन जो बचा है वो बचा है आपका 62 किलोमीटर। 62 किलोमीटर 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है, और 10 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है। तो हम लोग को रक्सौल जितना जल्दी उतना जल्दी पहुंचना है, पहले वीरगंज पहुंचेंगे फिर उसके बाद रक्सौल, क्योंकि जो रक्सौल उसी पार रह गया और बॉर्डर का इस पार जो है वीरगंज कहलाता है। तो वीरगंज हम लोग को पहुँचने के लिए चाहिए 62 किलोमीटर, तो 62 किलोमीटर चाहिए 1 घंटा 17 मिनट। उसके बाद हम लोग रक्सौल इन कर जाते हैं, तब एक होटल लेंगे, उसमें स्नान करेंगे, तब खाना खाएंगे, तब जाके कुछ राहत होगा क्योंकि 2 दिन से नहाए नहीं है, ना कल नहाए ना आज नहाए। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जो कवर करना है डिस्टेंस हम लोग को 21 मिनट लगेगा, 21 किलोमीटर 10:02 दिखा रहा है। तो ये वाला हाईवे है, ये हाईवे को बोलते हैं हम लोग NH H02 नेपाल में। तुम लोग मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो रक्सौल जब मैं इन करके जब नेपाल इन कर रहा था तभी जो पुल देख रहे हैं ना ये पुल वही है। तो इस पार हो जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे नेपाल में, और उस पार हो जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे इंडिया में। तो अभी जस्ट हम लोग नेपाल से इंडिया जा रहे हैं तो रक्सौल इन कर जाएंगे। तो चलो अब तुम लोग को मिलते डायरेक्ट हम लोग होटल में। होटल चेक इन कर लिए हैं, प्लस रक्सौल बॉर्डर, हाँ रक्सौल बॉर्डर भी आ चुके हैं, और बगल में ही हम लोग को रूम मिला 1150 का। तो रूम मुझे सफिशिएंट लगा और अच्छा लगा। तो गाइस आपको काठमांडू टू रक्सौल सीरीज़ कैसा लगा
और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस मैं आपको एक बार चाहता हूँ रूम दिखा देगा, तो रूम मैं रूम दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रूम है, रूम है, पंखा प्लस प्लस ये एसी भी है, देखते हैं। ये मिला है बाथरूम, बढ़िया है, साफ सुथरा, अच्छा है, मुझे ठीक लगा 1150 में, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो आज का सियाना यही रहेगा और हम लोग सुबह निकलेंगे, 10-11 बजे निकलेंगे, हड़बड़ा के निकले, 3 दिन सोए नहीं है, तो सोएंगे पहले तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना भूलें, ठीक, चलिए गुड बाय, टाटा।